हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका प्यारा भरत। ज्योग्राफी की मेंस एनरिचमेंट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए जितना ज़्यादा हो सके। आने वाले कुछ दिनों में मैं सी सेट की जो सीरीज है वो मैं लॉन्च करने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस न्यू ट्रिक्स जो कि आप लगा सकते हैं, ओके। और ये जो सीरीज है ज्योग्राफी वाली, ये ऑप्शनल लेवल तक जाएगी। यहाँ पर ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो कवर किया जाएगा पूरा। तो ये जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों के लिए है, ओके। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। ये धीरे धीरे ये सीरीज आगे बढ़ेगी। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के बाद इंटीरियर ऑफ अर्थ, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड ऑन दिस सीरीज, ओके। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही ब्रीफ में, कि हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या पढ़ा था। लैटिट्यूड का जो होता है सीन वो ये होता है कि हम लोग एंगल मेजर करते हैं, कहाँ से? सेंटर ऑफ अर्थ से। लेकिन एंगल कहाँ मेजर करते हैं हम? नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में, ओके। तो एंगल मेजर करने के लिए हम इक्वेटोरियल प्लेन, ये वाला क्या है, ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ग्रीन वाला ऊपर, ये क्या है? इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन, ओके। अब हम एंगल मेजर करेंगे, जैसे सी से बाहर की तरफ हम लोग आए, ये पॉइंट है आपका ए, और यहां से अब हम नॉर्थ की तरफ एंगल मेजर करना चालू करेंगे, ओके। और मैक्सिमम एंगल जो हम मेजर कर सकते हैं वो कितना है? 90 डिग्रीज, ओके। तो ये क्या है आपका? 90 डिग्रीज नॉर्थ। अब मैं कहूँ कि इस पॉइंट पे जो लाइन जा रही होगी, जो लैटिट्यूड है इस पॉइंट पे भी एक लैटिट्यूड रही होगी, इस पॉइंट पे भी एक लैटिट्यूड रही होगी, इस पॉइंट पे भी एक लैटिट्यूड, इस पॉइंट पे भी एक लैटिट्यूड। तो हम लोग जब एंगल निकालते हैं तो मैं बोलता हूँ कि इस पॉइंट का क्या लैटिट्यूड है, तो मैं सीधा यहाँ से एक सेंटर की तरफ लाइन ड्रॉ कर दूंगा और मेजर करूंगा कि ये एंगल कितना है। ये एंगल मान लो 10 डिग्री है, तो ये जो पॉइंट है इसकी जो लैटिट्यूड हो गई 10 डिग्री हो गई। लैटिट्यूडिनल एंगल कितना है? 10 डिग्रीज। लेकिन ये 10 डिग्रीज कहाँ है? नॉर्थ में है या साउथ में है? ये नॉर्थ में है, इसलिए कंप्लीट जो लैटिट्यूडिनल पोजिशन हो गई इस पॉइंट की वो 10 डिग्री नॉर्थ हो गई। सिमिलरली इन द केस ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, जब हम साउथ की तरफ चलते हैं, साउथ की तरफ मेजर करना चालू करते हैं, ओके, तो हम मैक्सिमम कितना एंगल मेजर कर सकते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरह 90 डिग्रीज, ओके। ऐसे ही यहाँ भी एक लैटिट्यूड होगी, यहाँ भी एक लैटिट्यूड होगी, यहाँ भी एक लैटिट्यूड होगा, यहाँ भी एक लैटिट्यूड, यहाँ भी एक लैटिट्यूड, यहाँ भी एक लैटिट्यूड। अब मान लो मुझे, सपोज करो कि इस पॉइंट का मुझे लैटिट्यूड मालूम करना है, इस पॉइंट का, ओके, पॉइंट नंबर पी का। तो P से मैं सीधा C की तरफ एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ओके, और मान लो ये एंगल बनता है 40 डिग्रीज, ओके। तो इस पॉइंट का लैटिट्यूडिनल, P पॉइंट का लैटिट्यूडिनल एंगल कितना हो जाएगा? 40 डिग्रीज। बट ये पॉइंट है कहाँ? नॉर्थ में या साउथ में? तो ये साउथ में है, तो इसलिए इसका कंप्लीट लैटिट्यूडिनल लोकेशन हो जाएगी 40 डिग्री साउथ। ये हमने लैटिट्यूड में पढ़ा था। ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप लैटिट्यूड की वीडियोज देख लेना। अब मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूंगा। अब एक बात याद रखिए, जब हम डी यूज करते थे स्कूल में, तो हमारे पास ये रेफरेंस पॉइंट होता था। ये वाली जो लाइन है, ये वाली जहां मैं कट कर रहा हूँ, ये वाली हमारे पास एक रेफरेंस लाइन होती थी, और हम इसको लगाते थे और देख लेते थे कि कितना एंगल मेजर हो रहा है हमको। मान लो ये पॉइंट का एंगल मेजर करना होगा इस लाइन से, तो हम ये लाइन उस लाइन पर, ये वाली लाइन ओ और ए, ओ ए वाली लाइन हम लाइन पर रखते थे, और इस पॉइंट से हम लोग एंगल बना लेते थे। दैट मीन्स हमारे पास एक रेफरेंस लाइन होना बहुत जरूरी है। लैटिट्यूड के केस में रेफरेंस लाइन क्या है? इक्वेटोरियल प्लेन। तो यहाँ कोई डिबेट है ही नहीं, कहीं से भी नाप लो, पर लेकिन इक्वेटोरियल पे आपकी एक लाइन रहेगी, उसके बाद आप इस एंगल को यहाँ से नापिए, यहाँ से नापिए, यहाँ से नापिए, ये एंगल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? ऐसे ही एंगल इधर बढ़ता चला जाएगा, ओके। तो डिबेट क्या है? डिबेट यह आएगा कि हमने लैटिट्यूड में नॉर्थ और साउथ की तरफ एंगल मेजर किया, नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, ओके। मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री हमने मेजर कर लिया। अब लॉन्गिट्यूड क्या कहता है? लॉन्गिट्यूड कहता है कि मैं सेंटर से एंगल मेजर करूंगा, लेकिन मैं ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में मेजर करूंगा। कैसे? जैसे मान लो ये एक एंगल है, ये मान लो ए और बी दो पॉइंट्स हैं बाहर
अर्थ के सरफेस पर, इनके बीच में एंगल कितना है 10 डिग्री। ओके, अब मान लो पर्सन वन ये कह रहा है, पर्सन वन ये कह रहा है कि मैं ओ ए को रेफरेंस मानूंगा, और यहाँ से ये ओ ए है, ये ओ है, ये ए है, तो ओ ए से मैं रेफरेंस मानूंगा और ओ ए की तरफ से मैं यहाँ एंगल मेजर करूंगा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, एंगल ही तो मेजर करना है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, इधर से ईस्ट में मैं यहाँ से एंगल मेजर करूंगा ओ ए से, और ओ ए से ही मैं वेस्ट में मेजर करूंगा, ठीक है। पर डिबेट ये होता है कि मान लो, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, हाँ, अब मान लो पर्सन दो, पर्सन दो आ जाता है, पर्सन टू कहता है, बोला नहीं, पर्सन टू कहता है, ये वाली जो येल्लो लाइन है ये पर्सन टू की है, पर्सन टू की, पर्सन टू कहता है कि मैं एंगल सी और डी की तरह मेजर करूंगा, दैट मीन्स पर्सन टी कहता है, पर्सन पी टू कहता है कि मैं रेफरेंस मानूंगा ओ सी को, ओ सी को, तो पी वन जो था, पी वन जो था उसके लिए रेफरेंस लाइन क्या थी, रेफरेंस लाइन क्या थी ओ ए, ठीक है, P2 क्या है, रेफरेंस लाइन क्या मान रहा है OC, अब ये OC से इधर से यूं एंगल मेजर करना चालू करेगा और O से OC से इधर की तरफ एंगल मेजर करना चालू करेगा, ठीक है। तो ऐसे तो कई सारे पर्सन आ जाएंगे, पर्सन 3 एंड सो ऑन, पर्सन इनफाइनाइट, ओके, तो सब क्या बोलेंगे, बोला नहीं नहीं मैं तो इस लाइन को रेफरेंस मानूंगा, कोई बोलेगा नहीं इस लाइन को रेफरेंस मानूंगा, कोई बोलेगा इस लाइन को रेफरेंस मानूंगा, तो यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि यार ग्लोबली कोई एक पॉइंट डिसाइड कर लो अर्थ की सरफेस पे, उसको आप जीरो जीरो ले लेना और वहां से आप एंगल मेजर कर लेना वेस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ। तो इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए 1884 में एक एग्रीमेंट में ये मान लिया जाता है कि रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है कहाँ है, ग्रीनविच में, उस लॉन्गिट्यूड को, उस लॉन्गिट्यूड को हम लोग 0 डिग्री मान के चलेंगे। दैट मीन्स अब आते हैं इस डायग्राम पर, और डायग्राम क्या कहता है कि जैसे मैंने लॉन्गिट्यूड बताया था कि ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इस तरीके से इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ओके, अब ऐसे तो लाखों करोड़ों इमेजिनरी लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपने एक चीज सुन रखी होगी कि हम केवल 360 लॉन्गिट्यूड्स की ही बात करते हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितनी है, 360 लॉन्गिट्यूड्स की हम लोग बात करते हैं, 0 से 180 इधर और 0 से 180 इधर, ओके। अब बात यह है कि हमने 360 का फिगर ही क्यों चुना, 360 का फिगर हमने इसलिए चुना क्योंकि जब आप इस अर्थ को ऊपर से देखेंगे, यहां से जब कोई देखेगा इसको, तो आपको एक सर्किल नजर आएगा, आ रहा है नजर, सर्किल नजर आ रहा है, और सर्किल में मैक्सिमम एंगल कितना होता है, सर्किल में मैक्सिमम एंगल कितना होता है, ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90, सर्किल में मैक्सिमम एंगल कितना होता है 360 डिग्री, इसलिए हमने 360 डिग्री ही चूज किया। समझ में आ रहा है कि 360 का डिग्री का फिगर कहां से आया, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमने क्या कहा था कि इधर कि 1884 में हमने पॉइंट डिसाइड कर लिया, कौन सा पॉइंट डिसाइड कर लिया, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी वाली लॉन्गिट्यूड को डिसाइड कर लिया, दैट मींस हमने ये जो 0 डिग्री वाला पॉइंट है ना, इसको डिसाइड कर लिया था, कब डिसाइड कर लिया था, 1884 में, और ये वाली जो रेड कलर वाली जो लॉन्गिट्यूड है जहां मेरा कर्सर है, ये क्या है, ग्रीनविड्थ से पास हो रही है। अब ये वाला कंफ्यूजन दूर हो गया कि 0 डिग्री रेफरेंस हम किसको मानेंगे, कहां से हम एंगल मेजर करेंगे, अब जो भी एंगल मेजर होगा इसको 0 डिग्री मानकर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं ईस्ट वेस्ट डिग्री मेजर करके आपको बता देता हूं, जैसे ये वाली डायरेक्शन कौन सी है वेस्ट और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है ईस्ट, ओके। अब मैं, ये मेरा पी पॉइंट है, ओके, ये मेरा 0 डिग्री पॉइंट नंबर ए है। अब मैं इस लाइन को परपेंडिकुलरली नीचे अर्थ के सेंटर में लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, अर्थ के मैं सेंटर में पहुँच गया, ठीक है, अर्थ के सेंटर से मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया, तो सेंटर क्या है सी, तो सी क्या है, सेंटर पे एंगल है क्या है 90 डिग्री, ओके। अब मैं यहाँ से मेजर करूँगा, अब सी से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ इधर 10 डिग्री पे, तो ये 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया। अब सी से अगर मैं 40 की तरफ मैं ड्रॉ कर दूं, तो ये कितना हो गया 40 डिग्री लॉन्गिट्यूड, कहाँ की तरफ हो गया, वेस्ट की तरफ है ये।
अगर मैं अंदर सी जो सेंटर ऑफ अर्थ है वहां से अगर मैं 70 वाली लैंग्वीट्यूड की तरफ एंगल ड्रॉ कर दूं तो ये 70 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए कि रेफरेंस कहाँ है हमारा, ये वाला पॉइंट है 0 डिग्री वाली, यहां से हम लोग ये एंगल मेजर कर रहे हैं 70 डिग्री, समझ में आ रहा है। इसी सेंटर ऑफ अर्थ से अगर मैं इधर इस टैन इस 20 डिग्री पर अगर मैं ड्रॉ कर दूं इधर वाली पे यहां पर इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 20 डिग्री कहाँ हो जाएगा, ईस्ट में। ईस्ट में क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है उससे ईस्ट की तरफ है। समझ में आ रहा है कि लॉन्गिट्यूड कैसे डिसाइड किया गया, कैसे रेफरेंस पॉइंट डिसाइड किया गया, ठीक है। अब याद कीजिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है इसके बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट में एक लाइन होगी, एक लाइन होगी इस तरीके से, तो ये एंगल कितना होगा भाई, एक लाइन पे मैक्सिमम एंगल कितना बनता है 180 डिग्री बनता है, तो ये भी कितना एंगल होगा मैक्सिमम, ये वाला 180 डिग्री, ओके। लेकिन ये कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट में, इसलिए इसको हम बोलेंगे 180 डिग्री वेस्ट। ऐसे ही एक एंगल इधर भी होगा, ठीक है, ये क्या होगा 180 डिग्री ईस्ट, ओके। तो टोटल अगर मैं अर्थ का सरकमफेरेंस की मैं बात करूं, सरकमफेरेंस ओके, उसका एंगल कितना हुआ, एंगल कितना हुआ, एंगल हो गया टोटल 360 डिग्री, समझ में आ रहा है। और 360 डिग्री कैसे बन रहा है, 180 डिग्री वेस्ट प्लस 180 डिग्री ईस्ट, ओके, इन दोनों को मिलाकर टोटल 360 डिग्री बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका 2D रिप्रेजेंटेशन करूं इसका, जो हमने कहा है, तो ये आपका सेंटर है, ये आपका क्या है 0 डिग्री, इसको जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, ये वाली जो लाइन है जहां मैं टिक कर रहा हूं ये वाला पॉइंट ये है। अब यहां से मैं वर्टिकली अपोजिट जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं वहां से एंगल कितना है 180, और यहां से एंगल कितना बनेगा इधर की साइड 180, तो ईस्ट की साइड 180 और वेस्ट की साइड 180, तो टोटल जो इसका एंगल हुआ वो कितना हो गया 360 डिग्री। क्लियर है कि कैसे लॉन्गिट्यूड और कैसे लैटिट्यूडिनल पोजीशंस हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पर। अब देखिए हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि जो भी लॉन्गिट्यूड वाला केस जो होगा, जहां भी लॉन्गिट्यूड आएगी वहां हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान के चलेंगे, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो ये है, ये रेड वाली लाइन जहां मैं टिक कर रहा हूं, ये रेड वाली लाइन जहां मैं टिक कर रहा हूं, ओके, इसको क्या बोलते हैं, एक तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ओके, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ओके, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, या फिर हम इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रीनविच से पास हो रही है, ये रेड वाली लाइन, या फिर हम इसको 0 डिग्री मेरिडियन भी कहते हैं। देखिए इसके चार नाम है, पहला नाम क्या है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दूसरा नाम क्या है प्राइम मेरिडियन, तीसरा नाम क्या है ग्रीनविच मेरिडियन, और फोर्थ नाम क्या है 0 डिग्री मेरिडियन। समझ में आ रहा है आपको कि इस तरीके से ये चार नाम आप याद रख लेना। अब हम चलते हैं इस एक्सिस पर कि हम टाइम कैसे निकालेंगे, ओके। अब देखिए मैंने आपको दो कंक्लूजन बता चुके हैं, एक तो हम 0 डिग्री इसको काउंट करेंगे जहां पर मैं ये स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूं, 0 डिग्री इसको काउंट करेंगे, ठीक है, अब सारा खेल यहीं से होगा। अब एक चीज आप मुझे ये बताइए कि ये वाला जो सर्किल ड्रॉ हो रहा है, जैसे ऐसे ऊपर से अगर आप देखेंगे इसको अर्थ को, तो एक सर्किल नजर आएगा। अब मान लो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर बी है, अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ओके, तो पॉइंट बी यहां से यूं चलेगा 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 चलेगा, पॉइंट बी इधर से यूं घूमकर वापस पॉइंट बी पर कब आएगा, कितने ड्यूरेशन में आएगा, 24 आवर में आएगा। भाई एक दिन 24 घंटे का होता है ना, हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपके इमोशंस कि 23 घंटे और 56 मिनट के आसपास कुछ होता है, लेकिन मैं राउंड फिगर में लेकर चल रहा हूँ 24 आवर्स में, ठीक है। तो एक पॉइंट को, जैसे मान लो ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट सी, ये पॉइंट सी इधर से यूं घूम कर वापस इसी लोकेशन पर कितने घंटे में आएगा, 24 घंटे में। दैट मीन्स जो अर्थ का जो रोटेशन होता है
जो अर्थ का जो रोटेशन होता है उसका रोटेशन कितना घंटे में होता है, 24 आवर्स में होता है। दैट मीन्स अर्थ अपनी एक्सिस पर एक बार पूरा चक्कर लगा देती है 24 घंटे में। ठीक है, तो मैं अब बोलता हूं कि अर्थ ने 360 डिग्री कितने में मीजर किया, 24 घंटे में। और मैं 360 डिग्री क्यों मेजर कर रहा हूं, क्योंकि एक सर्किल में मैक्सिमम एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो अर्थ पूरा जब रोटेशन करेगी तो कितना एंगल बनाएगी, एक पॉइंट से एक पॉइंट तक, उसी पॉइंट तक वापस आने में 360 डिग्री। तो 360 डिग्री कितने घंटे में, 24 घंटे में। ठीक है, या फिर एक कह लीजिए कि वन स्पिन ऑफ अर्थ कितने में, 24 आवर्स में। ओके, तो वन स्पिन ऑफ अर्थ या फिर 360 डिग्री, ये कितने में हो रहा है, 24 आवर्स में। अब मैं 360 को भी 24 से डिवाइड कर दूं और 24 को भी 24 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास क्या बचता है, ये था मेरे पास आवर और ये था मेरे पास डिग्रीज। तो 24 को जब मैं कट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्रीज, और 24 को मैं 24 से कट करूंगा तो एक घंटा। दैट मीन्स 15 डिग्री जो है वो एक घंटे में अर्थ मूव कर जाएगी, फिर एक घंटे में, अगले एक घंटे में फिर 15 डिग्री, फिर अगले एक घंटे में 15 डिग्री, फिर अगले एक घंटे में 15 डिग्री, ऐसे 24 घंटे में कितने बना जाएगी, ये 360 डिग्री। और जो सी पॉइंट है वो वापस से पूरा ट्रेवल करके यहीं पहुंच जाएगा अगले 24 घंटों में। ठीक है, अब मैं 15 डिग्री को ऐसे भी लिख सकता हूं कि 15 डिग्री को एक घंटे में कवर करता है। दैट मीन्स एक घंटे का मतलब क्या है, 60 मिनट्स में। ओके, अब मैं 15 को 15 से डिवाइड कर देता हूं और 60 को भी मैं 15 से डिवाइड कर देता हूं। भाई कर सकते हैं ना, दोनों तरफ गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सेम डिजिट से, सेम अंक से करना होगा। तो 15 से 15 डिग्री गया तो कितना बचा, 1 डिग्री, और 15 से 60 मिनट गया तो कितना, 4 मिनट। दैट मींस अगर मैं ये कहूं कि अर्थ 4 मिनट में 1 डिग्री मूव कर जाती है तो ये कुछ गलत है, नहीं है। तो हमारे पास यहां से दूसरा कंक्लूजन ये आ गया कि अर्थ 1 डिग्री में 4 मिनट में कवर कर देती है। अर्थ 1 डिग्री कवर करती है 4 मिनट में, या फिर ऐसे कह लीजिए कि 4 मिनट में 1 डिग्री अर्थ मूव कर जाती है। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट आप मुझसे सीखिए। एक और कंसेप्ट क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज कर रहा हूँ मैं। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने क्या बताया था कि लॉन्गिट्यूड में हम सारी चीज़ इस रेड लाइन से मेजर करेंगे, जीरो डिग्री वाली से। ओके, जहाँ मैं सर्किल बना रहा हूँ, देखिए जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है। ओके, अब मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, इस 0 डिग्री पर मैं खड़ा हुआ हूं। ओके, यहां पर कौन है, सलमान खान खड़ा हुआ है इधर कहीं, ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट है इस पी पॉइंट पर। ठीक है, ये मेरी कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन। ओके, और ये मेरी कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन। ओके, अब सलमान खान की गाड़ी क्या है, आ रही है धीरे धीरे, मतलब सलमान खान पैदल चल के आ रहा है इधर की तरफ पैदल चल के आ रहा है। ठीक है, कहाँ की तरफ, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चल के आ रहा है, इधर यूं चल के आना चाहता है सलमान खान। ठीक है, अब कोई भी मैं फटाफट से यूं उछल के तुरंत इधर सलमान खान के पास पहुंच जाता हूं। ठीक है, तो मान लो सलमान खान यहां पर 12 बजे है, ठीक है, और यहां पर वो 1 बजे पहुंचता और यहां पर वो 2 बजे पहुंचता। ठीक है, अब फटाफट से मैं इस 0 डिग्री पे खड़ा हुआ था, 0 डिग्री पे खड़ा हुआ था, अब फटाफट से मैं जंप करके यहाँ सलमान खान के पास पहुँच गया। तो सलमान खान जो मेरे पास यहाँ, मतलब यहाँ पर 0 डिग्री पर कुछ देरी से आने वाला था, मैं वहाँ आगे चला गया। तो दैट मीन्स अगर मैं ईस्ट की तरफ मूव करूँगा तो मेरे पास होगा एडिशन। दैट मीन्स जल्दी से कोई चीज होगी। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि ईस्ट की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमें करना है एडिशन। ओके, अब मैं कहूंगा कि मैं एक जंप मारकर पी पॉइंट पर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या सोचूंगा कि यार मैं यहां होता 0 डिग्री पे तो जल्दी मिल लेता सलमान खान से, अब तो मैं और पीछे हो गया, अब तो मैं और पी पॉइंट पर आ गया। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जब हम वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो हमें घाटा होगा और घाटे को हमेशा घटाया जाता है। ठीक है,
दैट मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर हम अब नीचे देखिए सदर्न हेमिस्फेयर में कि अगर हम यहाँ खड़े हुए हैं और हम इधर चले जाते हैं तो हमें करना है एडिशन, और हम इधर अगर मूव करते हैं तो हमें करना है सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सलमान खान जो है वो यहाँ खड़े हुए थे और वो इधर से इधर मूव कर रहे थे और मैंने जंप करके यहाँ मार दिया, जंप करके मैं फटाफट से सलमान खान के पास चला गया, तो सलमान खान जो कुछ डिले के बाद कुछ टाइम बाद मेरे पास आने वाले थे अब मैं ही उनके पास पहुँच गया, मैंने ही मोशन कर दिया ईस्ट डायरेक्शन में, तो अब मैं सलमान खान से जो टाइम के बाद मिलने वाला था वो टाइम से मैं पहले ही मिल गया। अगर सलमान खान मुझसे यहाँ 1 बजे मिलने वाले थे तो मैं यहाँ 12 बजे 1 घंटे पहले ही मिल गया, ठीक है। अगर सलमान खान मुझे यहाँ 2 बजे मिलने वाले थे और यहाँ पर 1 बजे मिलने वाले थे तो अगर मैं यहाँ 1 बजे होता तो मैं 1 बजे मिल पाता, लेकिन मैंने जंप लगा दी पीछे तो अब मैं 1 बजे ना मिलकर 2 बजे मिल पाऊंगा। दैट मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें करना होगा सब्स्ट्रैक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमारे पास 3 कंक्लूजन्स आते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन ये है कि जो भी हम मेजर करेंगे वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से मेजर करेंगे। दूसरा कंक्लूजन क्या है कि अर्थ 1 डिग्री में कितने टाइम लेती है? 4 मिनट, या फिर हम कह सकते हैं कि 4 मिनट में वो 1 डिग्री मूव करती है, ठीक है। और तीसरा लेसन क्या है कि अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं टुवर्ड्स ईस्ट तो हमें क्या करना है? प्लस। अगर हम टुवर्ड्स वेस्ट जाते हैं तो हमें माइनस करना है, ओके। समझ में आ रहा है? ये तीन लॉजिक से ही हम लोग टाइम डिराइव करेंगे। अब हम फाइनली टाइम डिराइव करने जा रहे हैं कि किस तरीके से टाइम डिराइव करना है, ओके। अब ये है अर्थ, ये ग्रीन कलर की जो है अर्थ, ये मेरी क्या है? प्राइम मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री जिसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। प्राइम मेरिडियन में बोल रहा हूं या फिर ग्रीनविच मेरिडियन में इसको बोल रहा हूं, ठीक है। ये मेरा क्या है? 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, लेकिन कहां है? ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। 60 डिग्री ईस्ट है, ये 70 डिग्री ईस्ट है, ओके। ये 60 डिग्री वेस्ट है और ये 70 डिग्री वेस्ट है, ओके। अब हम इन 4 लॉन्गिट्यूड्स पर टाइम डिराइव करेंगे। लॉन्गिट्यूड नंबर 1, लॉन्गिट्यूड नंबर 2, लॉन्गिट्यूड नंबर 3, लॉन्गिट्यूड नंबर 4, यही वो फाइनल कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, मैं रेफरेंस टाइम ले लेता हूँ कि ये प्राइम मेरिडियन पर मेरा कितना बज रहा है? 12 PM, मतलब दिन के 12 बज रहे हैं मेरे पास, ओके, 12 PM। अब रेफरेंस टाइम हमने ये ले लिया कि 12 बजे। अब 12 बजे से हम मालूम कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर घड़ी में 12 बज रहे हैं ब्लैक लाइन पर, तो ब्लू लाइन 60 डिग्री ईस्ट पर कितना बज रहा होगा? 70 डिग्री ईस्ट ऑरेंज लाइन पर कितना बज रहा होगा? ब्लू लाइन 60 डिग्री वेस्ट पर कितना बज रहा होगा? ऑरेंज लाइन 70 डिग्री वेस्ट पर कितना बज रहा होगा, ठीक है। हम सबसे पहले इस लाइन को लेते हैं, ब्लू लाइन 60 डिग्री ईस्ट को। अब मुझे ये बताइए कि ये 60 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। तो 60 डिग्री ईस्ट है, इसका मतलब क्या है? 60 × 4 मिनट, ओके, ठीक है। कितना हो गया? 240 मिनट्स। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज 1 डिग्री में 4 मिनट्स होते हैं, 1 डिग्री में 4 मिनट्स होते हैं, तो 60 डिग्री में कितने होंगे? 60 × 4 = 240 मिनट्स। अब 240 मिनट्स को मैं अगर 60 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कितना आता है? मेरे पास कितना आ जाएगा? 4 आवर। दैट मीन्स 60 डिग्री ईस्ट पर कुछ ना कुछ 4 घंटे आगे या पीछे होगी घड़ी। कहाँ से? 0 डिग्री से, ओके। तो ये अब आगे और पीछे हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? हमने बताया था कि जब हम ईस्ट की तरफ चलते हैं तो हम दौड़कर सलमान खान की तरफ पहुंच जाते हैं। इसका मतलब सलमान खान जो हमसे 1 घंटे बाद में मिला होता उससे हम 1 घंटे पहले ही मिल लिए। दैट मीन्स हमें इधर ऐड करना है, हमें गेन हुआ है, ओके। तो हम क्या करेंगे कि इधर हमारे पास 12 बज रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 12 बज रहा हुआ है ब्लैक लाइन पर, तो हमारे पास ब्लू लाइन पर कितना बज रहा होगा? शाम का 4 PM, ओके। इन द सेम केस अगर हम 60 डिग्री वेस्ट की तरफ बात करते हैं, इस ब्लू लाइन पर आ जाइए, वेस्ट की तरफ ब्लू लाइन पर आ जाइए, 60 डिग्री वेस्ट की अगर हम बात करें तो 60 डिग्री का मतलब क्या होता है? 1 डिग्री में कितना होता है? 4 मिनट्स, ओके। तो 60 डिग्री में कितना होगा?
60 × 4 दैट इज 240 मिनट्स। ओके, और 240 मिनट्स को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं, 60 मिनट से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ आवर्स, दैट इज 4 घंटे। और हमें बताया गया था कि जब हम वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो हम सलमान खान से जो यहां मिले हुए होते उससे भी पीछे हो जाते हैं, दैट मींस घाटा होता है, और घाटे को हम लोग माइनस करना होता है। दैट मींस 12 PM में से 4 घंटे घटा दो, 4 घंटे घटा देंगे तो यहां पर ब्लू लाइन पर कितना बज रहा होगा, 8 कब के, AM के, सुबह के 8 बज रहे होंगे। दैट मींस इस लाइन पर, ब्लू लाइन पर सुबह के 8 AM बज रहे होंगे। ओके, और इस ब्लू लाइन पर कितना बज रहा होगा, शाम को 4 PM। ओके, अब मैं ऑरेंज लाइन की बात करता हूँ, 70 डिग्री ईस्ट। ओके, 70 डिग्री ईस्ट का मतलब क्या है कि 70 डिग्री का मतलब क्या है, 70 × 4 दैट इज 280 मिनट्स। ओके, 280 मिनट्स। अब 280 मिनट्स को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 240 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स। 240 मिनट्स को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, 4 आवर्स, 4 आवर्स प्लस 40 मिनट्स जो बचे हुए थे हमारे पास। ओके, तो 4 आवर और 40 मिनट्स आगे करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें ईस्ट डायरेक्शन में बात करनी है। ये क्या है, 70 डिग्री, ये वाली लाइन क्या है, 70 डिग्री ईस्ट की लाइन है। तो 70 डिग्री का तो मतलब हमने तोड़ लिया 4 घंटे और 40 मिनट, और ईस्ट का मतलब क्या है कि हमें जोड़ना है। ईस्ट का मतलब क्या है, हमें जोड़ना है। तो हम 12 PM प्लस 4 घंटे 40 मिनट, ठीक है, हम लोग जोड़ देंगे। तो 12 के बाद 4 घंटे 40 मिनट, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस ऑरेंज लाइन पे जो कि 70 डिग्री ईस्ट है, यहाँ पर कितना बज रहा होगा, शाम के 4 बजकर 40 मिनट हो रहे होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इन द सेम केस इस वाली ऑरेंज लाइन पर 70 डिग्री वेस्ट में, 70 डिग्री का मतलब क्या होता है, 70 × 4 मिनट्स। ओके, 70 × 4 मिनट्स दैट मीन्स 280 मिनट्स, और 280 मिनट्स को अगर हम बात करें कैसे तोड़ें, तो 240 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स। ओके, तो 240 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 आवर, और बची हुई हमारे पास कितनी है, 40 मिनट्स। ओके, 4 आवर एंड 40 मिनट्स, ठीक है। अब 4 आवर और 40 मिनट्स हमको ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है, हमको सब्ट्रैक्ट करनी है। क्यों सब्ट्रैक्ट करनी है, क्योंकि हम वेस्ट की तरफ आए हैं, कहाँ से, इस ब्लैक से वेस्ट की तरफ हम लोग आए हैं, और जब वेस्ट की तरफ हम आते हैं तब हम माइनस करते हैं। दैट मीन्स हमें 12 बजे में से 4 घंटे माइनस करने हैं, और उसमें से भी 40 मिनट और माइनस करनी है। तो हमें कितना बनेगा, सबसे पहले 12 में से हम 4 घंटे माइनस करते हैं, कितना बचता है हमारे पास, 8। 8 में से भी अगर हम 8, सुबह के जो 8 बज रहे हैं उसमें से भी अगर हम 40 मिनट और माइनस करें तो हमारे पास कितना बचेगा, सुबह के 7 बजकर 20 मिनट। इस तरीके से हम लोग टाइम निकालते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली टाइम क्या है। तो अब मैं फाइनली कंक्लूड करता हूं कि इस वाली ऑरेंज नंबर लाइन 1 पर कितना बज रहा है, इस वाली ऑरेंज नंबर लाइन 1 पर हमने यहां निकाला था 4 घंटे 40 मिनट, जो 4 बजकर 40 PM हो रहा है। ओके, इस लाइन नंबर टू पर कितना बज रहा है, लाइन नंबर टू पर बज रहा है 4 PM। ओके, यहां पर ब्लैक लाइन पर कितना बज रहा है, ब्लैक लाइन पर बज रहा है 12 दिन के PM। ओके, लाइन नंबर थ्री पर कितना बज रहा है, इस लाइन नंबर थ्री पर कितना बज रहा है, सुबह के आठ बज रहे हैं, ठीक है। और फाइनली इस लाइन नंबर फोर जो कि 70 डिग्री वेस्ट पर है, इस पर कितना बज रहा है, 7 बजकर 20 मिनट सुबह का। आई होप आपको टाइम का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए जितना ज़्यादा हो सके, बिकॉज आपका ये रेस्पॉन्स ही मेरे लिए इंसेंटिव बनता है, और मैं बहुत अच्छे अच्छे सीरीज एंड कंटेंट मैं इस चैनल पर लॉन्च करने वाला हूँ। सो एंडिंग दिस वीडियो, प्लीज़ थैंक यू, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।